हर हर महादेव गाइस, जय माँ पार्वती, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित माखीजा। तो आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है ईशा स्नेक रिंग पर सिल्वर वाली, कॉपर वाली नहीं। कॉपर वाली के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिटेल डिस्क्रिप्शन या आई बटन कहीं भी आ जाएगा, आप वो चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के पहले भी, इस वीडियो के बाद में भी। तो आज हम बात करेंगे ईशा स्नेक रिंग सिल्वर वाली के बारे में कि वो क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, स्नेक रिंग के अलावा सिल्वर पहनने के बेनिफिट्स क्या हैं बॉडी के लिए, आपको क्यों पहननी चाहिए, क्यों अच्छी है, और एट लास्ट मैं आपको ये भी बताऊँगा कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है, या आपको कौन सी लेनी चाहिए, स्नेक रिंग कॉपर वाली लेनी चाहिए या फिर ये सिल्वर वाली, दोनों में से कौन सी बेटर रहेगी, कौन सी आप ले सकते हैं या फिर आप नहीं ले सकते, वो सब आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। हमेशा की तरह इस वीडियो को बस एंड तक देखना है ताकि आपको उसका आंसर मिल जाए। वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं करो तो कोई बात नहीं, लाइक तो कर ही सकते हो, वो तो फ्री है। और लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईशा सिल्वर स्नेक रिंग के अबाउट के बारे में। तो इसकी जो प्रोडक्ट डिटेल्स हैं वो आपको भी स्क्रीन पे दिख रही है, आप आराम से पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं, साइजेस वगैरह और जो भी वो दे रखा है। ये तीन साइजेस में अवेलेबल होती है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, और तीनों की जो प्राइस है वो है 900 रुपीज़। और तीनों ईशा पे ही मिलती है, ईशा के अलावा कहीं नहीं मिलती, और भी मिलती होंगी पर जो ये स्नेक रिंग है ईशा की वो ईशा पे ही मिलती है। और ये सिल्वर से बनी है, ऑब्वियस सी बात है, और ये भी कॉन्सेक्रेटेड आती है, ये भी यानी कि वो भी कॉन्सेक्रेटेड आती है कॉपर वाली, ये भी कॉन्सेक्रेटेड आती है। ये भी लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहननी है, जो स्नेक है वो अपर्ट रहेगा यानी कि नेल की तरफ जो स्नेक है वो रहेगा, वो दोनों के सेम रूल है। सिल्वर वाली का भी सेम रूल है और जो उसका है उसका भी सेम रूल है। ईशा के अकॉर्डिंग जो सिल्वर स्नेक रिंग है या कॉपर स्नेक रिंग है, दोनों जो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा है या मेडिटेट करता है उस पाथ पे उसके चलने में हेल्प करती है, फंडामेंटली उसको सपोर्ट करती है। तो ये सब थे जो ईशा के स्नेक रिंग के बारे में थे। अब हम बात करेंगे सिल्वर पहनने के क्या बेनिफिट्स हैं। देखो सिल्वर बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, पर हम छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें कवर करेंगे कि सिल्वर पहनने के भी क्या बेनिफिट्स हैं, स्नेक रिंग पहनने के अपने बेनिफिट्स हैं, कंसेक्रेशन के अपने बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करेंगे सिल्वर पहनने के बेनिफिट्स हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ ऐसे ही पहनना चाहते हैं यानी कि उनको फैशनेबल के लिए तौर पे पहनना है या सिल्वर के बेनिफिट चाहिए इसलिए वो पहन रहे हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट की बात करते हैं, जिनको गुस्सा वगैरह ज़्यादा आता है या फिर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, मन में शांति नहीं है, तो सिल्वर अगर वो पहनता है, चाहे वो स्नेक रिंग के तौर पे पहने या कैसे भी सिल्वर पहने, उसको ये बहुत हेल्पफुल होगा, उसका गुस्सा वगैरह ये शांत कर देगा। दूसरा है, ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपको जो है फोकस वगैरह करने में, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो तो उसमें ये आपकी हेल्प करता है। थर्ड है, कोई हम टॉक्सिक जगह जाते हैं तो सिल्वर अगर आपने पहन रखा है तो वो आपको बताएगा, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा कि हाँ यार आप इस जगह या फिर बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ है जो बढ़ गई है, तो आप उसके बाद उसको निकाल के क्लीन कर सकते हैं। फोर्थ है, अगर आपको कफ या कोल्ड वगैरह जल्दी जल्दी हो जाता है या उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, हो जाता है तो ज़्यादा दिन चलता है, तो सिल्वर पहनने से ये आपको उसमें बेनिफिट देगा। या आपके जॉइंट्स वगैरह में पहने अर्थराइटिस है तो उसमें भी आपकी हेल्प करता है। बॉडी की हीट वगैरह हो, बॉडी में हीट हो ज़्यादा, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। अगर आपको ब्लैक स्पॉट या फिर एक्ने वगैरह हैं या चेहरे पे दाग धब्बे हैं, उसमें भी सिल्वर पहनने के अपने फ़ायदे हैं। आप अपनी दवाई वगैरह सब कुछ चालू रखें और सिल्वर भी पहने, उसमें भी आपकी हेल्प करता है। और भी कुंडली में अगर कुछ दोष हो सिल्वर से रिलेटेड, तो वो भी ये कवर करता है, पूरे करता है। इसके बाद है, अगर आप स्नेक रिंग नहीं पहनते या फिर सिल्वर की चेन पहनते हैं तो जो स्टैमर करते हैं उनकी स्टैमरिंग प्रॉब्लम में भी ये हेल्प करता है। इसी तरह बहुत सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हैं, उस पर पूरा वीडियो कभी बनाएंगे अपन, अगर आप कमेंट बॉक्स में चाहोगे तो उसका एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, सिल्वर पहनने के क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन इसको पहन सकता है और कौन सी वाली पहननी चाहिए। तो अभी के लिए इतना बहुत है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि सिमिलैरिटी क्या है या डिफरेंस क्या है ईशा स्नेक रिंग और जो ईशा कॉपर रिंग में। देखो डिफरेंस सिर्फ एक है, ठीक है, डिफरेंस सिर्फ एक है, वो है कि वो सिल्वर से, वो कॉपर से बनी है और ये जो स्नेक रिंग है ये सिल्वर से बनी है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। अब सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों कंसेक्रेटेड आती हैं, दोनों स्नेक रिंग हैं, दोनों आप है ना लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहनोगे, स्नेक जो है वो अपवर्ड रहेगा यानी कि नेल की तरफ, दोनों स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वालों के लिए हेल्पफुल है, जो मेडिटेट करते हैं उसके लिए हेल्पफुल है, दोनों क्लीनेबल हैं इजीली, दोनों एडजस्टेबल हैं, अगर आपकी साइज छोटी वगैरह हो जाए बड़ी हो जाए तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों को पहनने के कोई नियम नहीं है, आप इसको बस वहाँ से लाएं ईशा से और इसको पहन सकते हैं, ईशा की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि आप लोग मुझसे पूछते हैं नॉनवेज खा लें या वॉशरूम चले जाएँ, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, ईशा की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसको हमेशा पहनें, बस एक यही रूल है। तो अब हम लास्ट में बात करेंगे कि कौन सी लेनी चाहिए। देखो सबसे पहली बात, अगर आप फॉर द चेंज कॉपर से हटके सिल्वर पे आना चाहते हो
तो फिर आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कॉपर से ग्रीन वगैरह जो हाथ हो जाता है बार बार, उससे प्रॉब्लम हो, या फिर आपको स्किन एलर्जी हो रही हो कॉपर से, तो फिर आप इसको चेंज करके सिल्वर वाली ले सकते हैं। अगर आपको कॉपर नहीं पहनना हो या आपकी कॉपर में आपकी बॉडी में कॉपर की नीड ना हो, तो आप सिल्वर वाली पहन सकते हैं। इसके बाद आपके पंडित जी ने अगर बोला है सिल्वर पहनने को, तो आप सिल्वर पहन सकते हैं, या स्नेक रिंग पहन सकते हैं, या फिर आपकी कुंडली में सिल्वर का कुछ हो तो आप उसके अकॉर्डिंग पहन सकते हैं। एट लास्ट आपने कॉपर की पहले से रिंग पहन रखी हो या कॉपर का कोई भी बॉडी पे चीज पहन रखी हो, तो फिर आप सिल्वर वाली पहन सकते हैं। तो ये सब थे सिमिलैरिटीज एंड आपको कौन सी लेनी चाहिए। अब मैं लास्ट में एक लाइन ऐड करना चाहूँगा कि आपको कौन सी लेनी चाहिए उसके रिगार्डिंग। तो देखो, अगर आप कॉन्सेक्रेटेड के लिए पहन रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो उस लिए पहन रहे हो, या फिर आप ईशा के फॉलोअर हो इसीलिए पहन रहे हो, तो फिर आप कॉपर रिंग लो, कोई नीड नहीं है सिल्वर रिंग लेने की, 900 रुपये खर्च करने की कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर आपको सिल्वर ही पहननी है, कॉपर अच्छा नहीं लगता, या फिर कॉपर से कोई प्रॉब्लम है स्किन पे, तो फिर आप सिल्वर वाली पहन सकते हो। पर मुझे लगता है इतने पैसे लगाने का कोई सेंस नहीं है। पहले से जो कॉपर रिंग है वो 20 रुपीज़ की आती थी, अब ईशा ने प्राइस बढ़ा के उसको 40 कर दिया है, और जो सिल्वर रिंग है वो 900 रुपीज़ की है। तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं देखा कि आपको सिल्वर वाली क्यों पहननी चाहिए। हाँ, वो बात अलग है, सिल्वर के अपने बेनिफिट्स हैं, कॉपर के अपने बेनिफिट्स हैं। अगर आप ऐसे मेटल देखोगे तो कुछ ना कुछ बॉडी में सबकी नीड होती है और सबके बेनिफिट्स होते हैं। एट लास्ट डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सी पहननी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो कोई नीड नहीं है कॉपर से जाके सिल्वर पे जाने, क्योंकि सिल्वर की प्राइसेस ज़्यादा हैं। फॉर द चेंज आप चाहें तो पहन सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें, और इसको वाली आप रख सकते हैं और इसको पहन सकते हैं। तो बस यही था सिल्वर स्नेक रिंग के रिगार्डिंग वीडियो। अगर आपको कॉपर के बारे में भी जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वो वाला भी, और ऐसे भी आप वो वाला भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में भी बेनिफिट्स बताए, और भी कुछ बातें हैं जो उसमें मैंने बताई, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन एंड आंसर हैं जो मेरे ख्याल से दोनों पे लागू होंगे, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि अगर आप स्नेक रिंग पहन रहे हैं तो आपकी पूरी तरह हेल्प हो। तो बस यही था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख देना हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, राधे राधे, जय सियाराम, टेक केयर, बी विद योर फैमिली, बी जॉयफुल, एंड बस।